नौशेरा के शेर शहीद ब्रिगेडियर उस्मान जी को जिले स्तर पर कोई सम्मान मिला है कि नहीं मिला, तो सच दिखाना कितना कठिन है। मुख्तार अंसारी का जिले मऊ जिले में कितना राजनीति में प्रभाव है। ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्टर होते हैं उनके ऊपर अक्सर FIR हो जाती है। इस साल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, इस पे आपकी क्या राय है? ये घोसी के लोग हर लोकसभा में कल्पनाथ राय को क्यों याद करते हैं? ऐसा क्या था जो हमारी पीढ़ी तो नहीं देखी है? हाँ, आप लोग देखे हैं। हाँ, तो आप लोग बेहतर बताएंगे। बाबरी का मसला खत्म हो गया, ज्ञानवापी का मसला स्टार्ट हो रहा है। बुलडोजर न्याय क्या सही है? देखा जाए तो मऊ जिले में ना कोई विश्वविद्यालय है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना फैक्ट्री है, ना कोई कंपनी। इसका कारण क्या है? बुनकर बहुल क्षेत्र ये है, तो बुनकर की स्थिति कैसी है यहाँ पे? जिले की निवासी AK शर्मा जो उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री है, तो उनसे जिले को लाभ मिल रहा है? उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव माननीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी जो है वो मऊ के ही निवासी है। हाँ। इससे जिले की जनता कितना खुश है? बहुत से मीडिया संस्थान नफरती डिबेट कराते हैं। हाँ। इसकी क्या वजह है? लेकिन कहा जाए कि देश की मीडिया कैसी है तो इस पे क्या हो कहा जा सकता है? तो फिर वही होता है कि तुम दिन को कहो रात को हम रात कहेंगे, जो तुम कहो पसंद वही बात कहेंगे। जय हिंद दोस्तों, मीडिया को देश का चौथा स्तंभ माना जाता है, लेकिन भारतीय मीडिया दुनिया की 180 देश की मीडिया संस्थानों में 161वें नंबर पर आती है। इसकी बड़ी वजह है कि बड़े बड़े मीडिया संस्थान सरकार की चटुकारिता करते हैं, इसलिए हमें ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट जानने की कोशिश करते हैं। और आज हमारे साथ, हमारे बीच 20 साल से पत्रकारिता की दुनिया में अपना पैर जमाए हुए जनाब सन्नू आजमी साहब हैं, जो हमारे जिले की शान रहे नौशेरा के शेर जनाब ब्रिगेडियर उस्मान साहब के परिवार से भी आते हैं। तो आइए हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और मीडिया और देश और घोसी से लेकर दिल्ली तक के हाल जानने की कोशिश करेंगे। तो आप कैसे हैं? ठीक हैं। ले तो आपका बड़ा स्वागत, तमाम देखने वालों का भी बहुत बहुत स्वागत है। मीडिया के किन किन क्षेत्रों में आपने काम किया है? मीडिया के क्षेत्र में तो लगभग जब हम लोगों ने शुरू किया, जिसे ग्रामीण अंचल से पत्रकारिता शुरू किया, तो जाहिर सी बात है कि क्षेत्र हम लोग को समसामयिक समस्याएं मिली। गांव की क्या समस्याएं है, खड़ंजा है, नाली है, पानी की समस्या है, तो वहां से निकला। क्योंकि मामला ये कि हम लोग छात्र राजनीति में भी रहे, तो जैसे हाँ मतलब पत्रकारिता में आने से पहले छात्र राजनीति से जुड़े रहे हम लोग, तो छात्र राजनीति से जुड़े हुए थोड़ा सा राजनीति में मुझे बड़ा इंटरेस्ट रहा, तो राजनीति के विषय पर हमने ज्यादातर कवरेज किया है। और तमाम जिन संस्थानों में भी मैं रहा, तो लोग कहते थे कि नहीं पॉलिटिकल कवरेज है तो आप ही करेंगे, तो ज्यादातर समसामयिक के साथ साथ मीडिया कवरेज को भी हमने देखा है, किया है उसको। तो सच दिखाना कितना कठिन है? हाँ, ये तो बात सही है कि सच दिखाना कठिन तो है, क्योंकि अक्सर बातचीत में भी होता है कि अगर कड़वा कुछ है तो सच ही है। तो जाहिर सी बात है कि सच है। अब जैसे सच की एक देख लेंगे, जैसे हम लोगों ने 2.5 दशक की से हम इस लाइन में हो गए, तो उसमें देखा गया कि जैसे समस्याएं क्या है, एक बड़ी पहलू उस पर है कि सच जो दिखाने की बात क्या है। कि जैसे जो पहले पत्रकारिता का मापदंड था, पहले मिशनल जर्नलिज्म हुई, मिशन हुआ करती थी, मिशन के बाद प्रोफेशनल जर्नलिज्म हुआ, यानी पेशे से पत्रकार। आज के दौर में कमर्शियल जर्नलिज्म। जी, ये बात आपने बहुत सही, कमर्शियल जर्नलिज्म। जी जी। अब हमारा संपादक मेरी अच्छी खबरों के साथ साथ मुझसे साल भर में 2-3 बार इस चीज पर खुश होगा कि हम उसको कितना अर्न दे रहे हैं। जी, जी। कितना विज्ञापन दे रहे हैं। अब सच की समस्या जो आपको बताए, भ्रष्टाचार जग जाहिर है, इसमें किसी कोई नहीं, हर आदमी के रग रग में रच बस गया भ्रष्टाचार। अब जैसे ग्राउंड जीरो की पत्रकारिता, ग्राउंड जीरो में दिखता क्या है कि इस काम में भ्रष्टाचार है, जनता उसका को भाजन का शिकार बन रही है, जनता उस परेशानियों में है, और उस भ्रष्टाचार में लिप्त कौन है? ब्यूरोक्रेट के लोग, ब्लॉक प्रमुख, मतलब बड़े-बड़े लोग हैं। अब हैं, और मामला है कि एड हमको कौन देगा? वही एड हमें वहीं से मिलना है, उन सरकारी दफ्तरों से मिलना है, उन जनप्रतिनिधियों से मिलना है, मतलब हर जगह, और जनता की समस्या है, कमीशन खोरी हर जगह चल रही तो है। अब दिक्कत तो सच दिखाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन तो भी सारे मिलाने के बाद भी हम लोग जनपक्षधरता की बढ़ावा देते हैं कि जनता की बात को प्रमुखता से ला दिया जाए। लेकिन कहा जाए कि देश की मीडिया कैसी है तो इस पे क्या हो कहा जा सकता है? अब देश की मीडिया का वही जो हमने बताया कि कमर्शियल जर्नलिज्म, तो जितना जो जितनी बड़ी मीडिया,
उसका उतना बड़ा पेट। ये भी बात सही है, जितना बड़ा पेट। तो अब मामला ये है कि वह जहां से हो जा रहा है, उनकी जो एक खुराक है साल भर का उनका पैकेज है कमर्शियल पैकेज, तो सामने वाला कहता है कि हम आपको ये दे दे रहे हैं कमर्शियल पैकेज ना, और फिर आपको हमारे हिसाब से चलना है। तो फिर वही होता है कि तुम दिन को कहो रात तो हम रात कहेंगे, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तो उसी पर अब आ जा रहा है। लेकिन उसमें भी अभी तमाम मीडिया समूह और तमाम पत्रकार जो हैं, जो जनता की बात, जो सच्चाई को दिखाने का काम कर रहे हैं। तो आप भी तो ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग करते हैं, तो आपको किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? दिक्कत का तो करना पड़ता है, चूंकि जैसे जिस तरह की जो खबरें लोग देखते हैं चैनलों पर, तो वह खबरें तो देखा जाता है कि एसी रूम में न्यूज रूम बना हुआ है और वहां से स्टूडियो बना हुआ है, वहां से खबरें बनी बनाई, लेकिन वह मटेरियल जो है वह ग्राउंड जीरो से जाता है। वो हम जैसे लोग ही भेजते हैं, जो एसी में वो बड़े बड़े एंकर लोग उसको परोसते हैं, लेकिन वह जैसे गांव देहात की है ना, सीधा पिसान लौना लकड़ी, तो वह जैसे हम लाके गांव रेडियो पर, तो वहां से निकालना तो बहुत मुश्किल होता है। अब जैसे खाना कहीं पकता है तो खाना आप खा लेते हैं, लेकिन खाना पकते हुए देखेंगे तो आपको अजीब टाइप लगेगा, कैसे धोया जाता कैसे जा? तो दिक्कतें होती ग्राउंड जीरो पर। जैसे होता कि गांव ने बुला दिया कि यहाँ भ्रष्टाचार, ये नाली बन रहा है और यहाँ पर मानक काम हो रहा है, वहां आ रहे हैं तो पता चला कि कोई जनप्रतिनिधि है, कोई दबंग प्रधान है, उनके दो चार गुर्गे आ जाते हैं, कोई विधायक हैं सांसद हैं उनके लोग आ जाते हैं, आपको हम ठीक कर देंगे, ये है आपको नहीं दिख रहा है कहाँ हो रहा है सही हो रहा है। और हाल ये हो जाती है कभी कभी कि जो बुलाया रहता है, जो जनता के लोग बुलाए रहते हैं, वो उनके जब गुर्गे उर्गे हड़काने उड़काने लगते हैं तो वो खुद ही मुकर जाते हैं, कोई बयान देने के लिए तैयार नहीं होता, ऐसी स्थिति भी आ जाती है कभी कभी। जैसे कि हम मऊ जिले के यूपी के मऊ जिले में हैं, तो यहाँ पे कितने % पत्रकारिता सच दिखाते हैं अगर ये पूछा जाए तो? अभी तो बड़ा आपने सटीक ऐसा असमंजस वाला सवाल कर दिया है कि कितना सच दिखाते हैं, क्योंकि सच नहीं, अब तो जैसे जिस तरह के हालात हो गए हैं कि अब ये समझना बड़ा मुश्किल हो गया है कौन पत्रकार है और कौन पत्रकार नहीं है। एक बड़ा सवाल ही हो गया कि कौन पत्रकार हो क्या रहा है कि अब पत्रकारिता जगत में, जो शुरू में हमने बताया कि कमर्शियल जर्नलिज्म, अब ऐसे लोग मीडिया समूह बना लिए हैं कि जिनका मीडिया से कुछ लेना देना नहीं है। मीडिया से साफ शब्दों में कह दूं तो कई ऐसे संपादक नजर आए मुझे कि जिनको एक पेज का एप्लीकेशन लिखना नहीं आता है, लेकिन उस मीडिया समूह के प्रधान संपादक हैं। अब मामला है कि वो प्रधान संपादक हैं तो अब उनके रिपोर्टर भी कैसे होंगे? जाहिर सी बात है, फिर तमाम ऐसे रिपोर्टर हम मुझे मिले हैं कि जो 5,000, 10,000, 4,000, 8,000 दे के आई कार्ड बनवा के, प्रेस का आइडेंटिटी कार्ड बना के और लगाए हुए वो प्रेस है, अब वो क्या दिखाते हैं? तो पहले से सवाल ये है कि वह पत्रकार हैं कि नहीं, पत्रकार का मानक तय करो, क्योंकि ऐसे लोग आ गए मीडिया समूह में कि जो खुद ही पत्रकार नहीं है, तो उन्होंने जिनको रखा है तो उनको कैसे पत्रकार माना जाए? तो अब कैसे उनका मानक तय हो कि वो सच दिखा रहे हैं क्या? अभी तो उनका तय होना है कि वो पत्रकार हैं कि नहीं है। इतनी सही बात है, भारत में बहुत से छोटे छोटे गांव शहर की बात दिल्ली तक नहीं पहुंच पाती, ऐसा क्यों? दिल्ली तक पहुंचने की बात है कि सही बात है कि कभी कभी ग्राउंड जीरो की जो खबरों को प्रमुखता मिलती है राष्ट्रीय चैनलों पर, जैसे कोई मसाला वाली खबरें या कोई बड़ी घटना हो गई, आम समस्याएं नहीं दिखाई जाती है, मतलब अफवाह जैसे कह सकते हैं। हाँ, जैसे कोई बड़ा हादसा हो गया है उस तरह का तो दिखा देंगे, लेकिन जैसे जो गांव से छोटी सी जो समस्याएं होती है, नाली खड़ जाए, वो नहीं दिखा पाते हैं कि कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या हो रहा है। कोई बड़ा हादसा हो गया, कोई बड़ी बिल्डिंग गिर गई, कहीं कुछ हो गई, वह खबरें जाएगी, लेकिन शायद वो बिल्डिंग गिर गई, वो स्कूल की छत गिर गई, वह पंचायत भवन गिर गया, शायद अगर शुरू में जो जनता आवाज उठा रही थी कि मानक के विपरीत काम हो रहा है, मानक के अनुरूप काम नहीं हो रहा है, शायद वो मीडिया अगर उस पर तवज्जो देती तो गिरने की स्थिति नहीं आती। लेकिन वो कब दिल्ली में आवाज उठती है? जब वो बिल्डिंग गिर जाती है। यानी कि वो बिल्डिंग भी अमीर की होगी, गरीब की तो होगी नहीं। जब वो बिल्डिंग गिर जाती है, उसमें कुछ बड़े हादसा हो जाते हैं, कुछ लोग हो जाते हैं, तब वो होता है। मतलब पूछा जाए कि देश की मीडिया क्या समस्या है, तो एक तरह से क्या कह सकते हैं, जो एक चीज बताया कमर्शियल सिस्टम से अब गुजर रही है। बहुत से मीडिया संस्थान नफरती डिबेट कराते हैं, इसकी क्या वजह है? ये
खैर मुझे लगता है कि थोड़ी देर के लिए कुछ लोगों को अच्छा लग जाए, लेकिन ये भविष्य बड़ा चौपट हो जाएगा, विशेष तौर से युवाओं का। देश के लिए भी तो नुकसान है ये। बिल्कुल देश के लिए नुकसान है। अब उसको देखकर जिस तरह की डिबेट हो रही है, मुद्दों पर डिबेट, तमाम समस्याएं हैं देश के अंदर, हो सकती है शिक्षा पर, हो सकती है रोजगार पर, हो सकती है बेरोजगारी पर, हो सकती है गांव में फैले भ्रष्टाचार है उस पर कैसे, तो उस पर डिबेट हो जाती है। ये नफरती डिबेट लाकर खासतौर से जो यूथ है हमारा, उसके लिए बहुत गहरी कब्र खोद रहे हैं ये नेताओं को नफरती डिबेट करके। क्योंकि उसका वो अगर लड़का पढ़ाई कर रहा है, बीटेक एमटेक कर रहा है, मेडिकल की तैयारी कर रहा है कोटा, लेकिन जब वो टीवी चैनलों पर जब देख रहा है तो उसके दिमाग में उसके चूंकि रूप में 10 लड़के हैं तो 10 10 धर्म के हैं, 10 जातियों के हैं, कोई ओबीसी है, कोई एससी है, कोई एसटी है, कोई माइनॉरिटी का है, कोई जैनी है, लेकिन एक साथ रह रहे हैं। लेकिन वो टीवी डिबेट देखने के बाद वो थोड़ा सा अपने एक साथी को, अपने रूम पार्टनर को बड़े दूसरे हिसाब से देखते हैं, तो उनका पढ़ाई में अब ध्यान ना लग के वो डिबेट की तरफ जा रहा है, माइंड वॉश किया जा रहा है। ग्राउंड जीरो से जो रिपोर्टर होते हैं उनके ऊपर अक्सर FIR हो जाती है। ये बात सही है कि चूंकि सच्चाई दिखाने का काम तो वो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। जैसे किसी मीडिया संस्थान का कोई रिपोर्टर है तो ग्राउंड जीरो पर तो वही काम करता है जी। जैसे हमने कहता है कि वो जनप्रतिनिधियों के गुर्गों और दबंगों का भी उसको को भजन सिखना पड़ता है, चूंकि प्रशासन भी उसको कर लेता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो उनके मीडिया समूह के लोग हैं, जो संपादकीय टीम है, वो सीधे मुकर भी जाती है कि ये हमारे रिपोर्टर हैं भी कि नहीं, वो कहती कि हमारे रिपोर्टर है ये नहीं। FIR होने के बाद दिखाने बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत दिक्कत ही पहुंचाता है, बहुत दिक्कत है। ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग करना बहुत ही दिक्कत बहुत दिक्कत है। अच्छा, इस साल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है, इस पे आपकी क्या राय है? क्योंकि 5 लोग संविधान के हिसाब से, जहां तक मेरी जानकारी जो हमने पढ़ा कि एक साल में सिर्फ 3 लोगों तक ही भारत रत्न दिया जा सकता है। सवाल उस पर नहीं है कि 5 लोगों को दिया गया है गलत है कि सही है, ठीक है जी, उनकी विचारधारा से राजनीतिक दलों से सहमत और असहमत होना अलग की बात है, लेकिन उन्होंने अपने अपने क्षेत्रों में काम किया है जी जी। जिन लोगों को मिला है, चाहे कर्पूरी बाबू हों, लालकृष्ण आडवाणी जी हों, नरसिंह राव जी हैं, स्वामीनाथन जी हों, और VP नरसिंह राव जी, ये चरण सिंह जी मिला, सबने काम किया है अपने अपने क्षेत्र में। कहा ना कि वह वैचारिक मतभेद हो सकता है, हम उसको माने ना माने, काम किया है, लेकिन कहीं ना कहीं देश संवैधानिक देश है, लोकतांत्रिक देश है, तो संविधान के दायरे और उसके हिसाब से ही हमें चलना है। शायद ठीक है, अगर 3 दे देते, 2 बाद में दे देते, तो ये तो कहीं ना कहीं मान लीजिए एक तरह से हमें लगता है कि राजनीतिक लाभ लेने का भी मामला हो सकता है। 23 में दे सकते थे, 23 में देते तो चूंकि अब वो राजनीतिक लाभ लेने का लग, लेकिन संविधान में जहां तक मेरी जानकारी है कि साल भर में 3 ही भारत रत्न दिया जाता है, 5 दिया गया है, तो सरकार की क्या मजबूरी रही, क्या सोच रही है। सही बात। बाबरी का मसला खत्म हो गया, ज्ञानवापी का मसला स्टार्ट हो रहा है, क्या इसमें क्या? ये तो हमें लगता है कि ये भी पॉलिटिकल स्टंट था, क्योंकि एक लंबा 4-5 दशक तक जी जी राम मंदिर और बाबरी का मामला चला, और किस तरह कोर्ट से आया, और एक समुदाय ने कहा भाई जो न्यायालय फैसला देगा हम न्यायालय मान लेंगे। अब हो गया ज्ञानवापी का, ठीक है अगर मामला है, कोर्ट जा रहा है, न्यायालय जो भी देगा उसको मानना चाहिए, लेकिन उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया जा रहा है, ये हमें लगता है कि गलत है। राजनीति होनी चाहिए, और रोजगार पर होनी चाहिए, शिक्षा पर होनी चाहिए, चिकित्सा पर होनी चाहिए, ये उसको न बनाया जाए। जो न्यायालय दे देगा, न्यायालय ने दे दिया अयोध्या के मामले पर, हो गया, बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ज्ञानवापी वो भी न्यायालय अगर चल रहा, न्यायालय मामला चल रहा है, माननीय न्यायालय जो भी फैसला देते मानना होना चाहिए, उस पर राजनीतिक मुद्दा नहीं बनना चाहिए। तो देश में इलेक्शन इस बार किस मुद्दे पर होना चाहिए? मुद्दा तो देखिए होना चाहिए शिक्षा पर, रोजगार पर, चिकित्सा पर, बेरोजगारी पर, महंगाई पर, लेकिन आज सही बात है कि उस तरह की जागरूकता की कमी है मतदाताओं में। आज भी वह चुनाव लास्ट तक जाकर जाति और धर्म पर, खासतौर से हमारे उत्तर भारत में, उत्तर भारत यूपी बिहार में, तो पूरी तरह से इसी पर टिकट भी राजनीतिक दल इसी पर देते हैं, और जातिगत सर्वे कराते हैं किसकी कौन संख्या है, तो ये रहेगा तो इस समुदाय को हम दे देंगे तो ये जुड़ जाएगा और इस पर होगा। तो जाहिर सी बात है कि वो पॉलिटिकल पार्टी भी जाति की राजनीति कर रही है, और
मतदाता भी उसी जाति की राजनीति में रचे बसे हैं, वो भी ये देखते हैं। अभी तमाम मतदाता ऐसे मिलते हैं, वो कहेंगे कि हम भाजपा वाले हैं, लेकिन उनके समुदाय का उम्मीदवार दूसरे दल से मिल गया तो उधर दे दिए, वो बता दिए कि हम कांग्रेस और बसपा वाले हैं और सपा वाले हैं, लेकिन उनके समुदाय का कोई दूसरा आ गया तो वो तमाम भी चले जा रहे हैं। अच्छा, तो वही टेस्ट पा गए राजनीतिक दल, इसी तरह का खेला कर रहा है। अच्छा, यही वजह है कि कैंडिडेट अच्छा नहीं मिल पाता, कैंडिडेट अच्छा नहीं मिल रहा। अब तो जातिगत हिसाब किताब से हुआ, देखना उसको। अच्छा, बुलडोजर न्याय क्या सही है? नहीं, बुलडोजर न्याय में नहीं मिलता। जब इस देश में न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, आज से नहीं, ये बुलडोजर वाला मामला तो 5 साल से चल रहा है, 6 साल से चल रहा है। न्यायिक प्रक्रिया बहुत पुरानी चल रही है। न्यायालय होता है, एक सिस्टम होता है कि आप पीड़ित हैं कि कोई आपको दबा सता रहा है तो आप अपने स्थानीय थाने में जाएंगे, अपनी सूचना देंगे, मुकदमा दर्ज होता है, एक विवेचक बनता है, विवेचना करता है, जांच चार्जशीट बनाकर सौंपता है, न्यायालय में जाता है, न्यायालय में ट्रायल होता है और न्यायालय से फिर आदेश चलता है कि इसके ऊपर क्या होना चाहिए। अब ये बुलडोजर वाली तो तुरंत का तुरंत ऑन द स्पॉट चल रहा है, तो ये तो लोकतंत्र में लोक बिल्कुल ये बिल्कुल ठीक नहीं। फिर न्यायपालिका को तो आप पंगू बना दे रहा है, सारा फैसला आप कर लेंगे, फिर वो क्या करेगा न्यायालय, न्यायपालिका फिर क्या करेगी, न्यायालय क्या करेगा पैसा। ये बुलडोजर पर था, लोकतांत्रिक सिस्टम से बिल्कुल सही है। इंडिया गठबंधन सफल हो पाएगा कि नहीं? इंडिया गठबंधन के सफल होने की मामला यह है कि जिस तरह की तैयारी हुई थी इंडिया गठबंधन की ना, और जिसने तैयार किया था, जो रथ लेकर चले थे इंडिया गठबंधन का, जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ना उन्हीं की अगुवाई में चल रहा था, उन्होंने तमाम किया और बड़ी गोपनीय मीटिंगें भी होती थी और सब होती थी, लेकिन मामला है कि वो भी वहां से चले गए और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक बड़ा चेहरा होते थे आरएलडी जयंत चौधरी, चौधरी चरण सिंह के पौत्र। तो जैसे मैंने कहा ना कि जो भारत रत्न दिया गया है तो कहीं ना कहीं वो भारत रत्न की घोषणा होती है, वो समाजवादी पार्टी के साथ पहले से भी अलायंस में थे, लेकिन उनके दादा को भारत रत्न की घोषणा होती है और जयंत चौधरी सीधे एनडीए के गठबंधन हो जाते हैं। तो अब मामला ये है कि अब इस तरह की रही तो अब वोट तो खैर जनता को देना है, कैसे पसंद करता है सरकार की नीतियों में व्यस्त, चूंकि लोकतंत्र है तो लोकतंत्र में तो जनता की ताकत सबसे बड़ी होती है। बड़ी इंडिया गठबंधन अपने मुद्दे किस तरह रखता है और सरकार के लोग अपने मुद्दे किस तरह रहते हैं, ये तो जनता तय करेगी। अच्छा, नौशेरा के शेर शहीद ब्रिगेडियर उस्मान जी को जिले स्तर पर कोई सम्मान मिला है कि नहीं मिला है? ये बड़ा कष्ट की बात है कि अब तक जिला लेवल पर कोई सम्मान नहीं मिला, क्योंकि हम लोग को तो फक्र होता है ना कि हमारे पूर्वज इस तरह के थे और मतलब वो लड़े देश के लिए और कुर्बान हो गए, उसके बाद भी मेरे पिताजी भी आर्मी में रहे, मेरे बड़े भाई भी इस वक्त आर्मी में हैं, तो हम लोग भारतीय सेना से जुड़े रहे हैं, तो वह लगता है कि नहीं हमारे पूर्वज पीठ दिखाने वाले नहीं थे, सीने पर दिखाने, लेकिन सम्मान मिलना चाहिए, उसके बाद नहीं मिला। अभी जैसे कई सालों से यह अमृत महोत्सव चल रहा है ना, जी जी अमृत महोत्सव चल रहा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिले का ना तो कोई ब्यूरोक्रेट ना कोई जनप्रतिनिधि वो अमृत महोत्सव वाली परंपरा के तहत उस चौखट तक पहुंचा हुआ। घोसी लोकसभा की जनता किस आधार पर वोट करेगी या फिर करती है? मतलब अभी तक आपने देखा होगा कई बार वोट की है, वो मैंने बता दिया ना कि वही जाति पर हो जाता है और जाति मुद्दे पर हो पाती, जो कल्पना राय का सपना था, कल्पना राय के नाम लिया जाता है। जी, जी। अच्छा, पूर्वांचल के जिले मऊ हुए, आजमगढ़ हुआ, गाजीपुर हुए, इतना पिछड़ा क्यों है? पिछड़ा के इधर मैं देख रहा हूं, देखा जाए तो पूर्वांचल ही पिछड़ा है, पूर्वांचल ही पिछड़ा है, और उसको विकसित करने के लिए यहाँ मऊ के जन्मदाता कल्पना राय ने पूर्वांचल राज की भी मांग शुरू की थी उस टाइम, और पूछा देखे राज्य अलग बन जाता तो विकास हो जाता। उसके बाद जो जनप्रतिनिधि हो रहे हैं, जैसे हमने कहा ना कि अभी हम उससे उभर नहीं पा रहे हैं, जात धर्म की राजनीति से उभर नहीं पा रहे हैं। जी जी, तो अब जब हम वहां आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र में अगर कोई खामियां हो रही है तो कहीं ना कहीं जनता ये नहीं कह सकती है कि हम इसके जिम्मेदार नहीं है, सीधे जनप्रतिनिधि जिम्मेदार, जनता भी जिम्मेदार है, क्योंकि आपको राजा बनाया जाता है कि आप अपने में से एक राजा चुनेंगे, कौन अपने पर राज करेगा। बिल्कुल, और फिर हम वहां मिस्टेक करते हैं जाति धर्म पर, तो फिर तो पिछड़ना है ये, जब हम खुद पिछड़ चुके हैं। अच्छा, ये घोसी के लोग हर लोकसभा में कल्पना राय को क्यों याद करते हैं? ऐसा क्या था जो हम मतलब हमारी पीढ़ी तो नहीं देखी है? हाँ, आप लोग देखे हैं, हाँ, तो आप लोग बेहतर बताएंगे। कल्पना राय ने भाई आज जो भी मऊ में दिख रहा है
पहले मऊ आजमगढ़ जिले का हिस्सा हुआ करता था। जी जी। 1988 में मऊ जनपद बना, कल्पनाथ राय की देन थी, और तमाम उन्होंने कलेक्ट्रेट कचहरी और तमाम सब स्टेशन और टेलीफोन एक्सचेंज वगैरह तमाम बनाए। उसके बाद जो सांसद हुए, उसके बाद 1998 में एक्सपायर हो गए वह, और उसके बाद जो चुनाव हुए, जो जनप्रतिनिधि हुए, जी जी, तो साफ साफ तुम कह सकते हैं वो कहीं ना कहीं जाति के फैक्टर से और धर्म के फैक्टर से वो चुनाव जीत तो गए, काम नहीं कर पाए। अब जैसे इधर एक सांसद हुए जो 2019 में, जी हाँ, समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी का एलायंस था, बहुजन समाज पार्टी के गाजीपुर के कोई अतुल राय जी आए, हाँ, और पर्चा उन्होंने भरा, लगता पर्चा भरा, पर्चा भरने के बाद तमाम उनके केस आने लगे। अब गलत है कि सही, उसका नहीं, वो तो न्याय का क्या न्यायपालिका करती है क्या है। उसके बाद वो गायब हो गए और 2024 का चुनाव होने वाला है, वो बेचारे आ नहीं पाए। तो अब तो मान लीजिए कि वो बाहर रहते तो कितना वो करते क्या है, क्योंकि नाम तो उन्होंने भी लिया था, क्योंकि बाकी तो चार जो हुए तो वो तो दिखा भाई, इनका तो दिखा ही नहीं, क्षेत्र में दिखे ही नहीं, तो लोगों से मिलना भी नहीं हो पाया कि लोग समस्या बता सके क्या है कैसे है। ये जनता की बदनसीबी कह सकते हैं, बदनसीबी कह जाए बिल्कुल। अच्छा, कल्पनाथ राय का विचार था कि पूर्वांचल एक अलग राज्य होना चाहिए। हाँ, जैसे आपने बताया कि पूर्वांचल पिछड़ा हुआ है, जी, तो मामला ये है कि जब अक्सर देखिएगा तमाम बड़े राज्यों को काट के छोटा राज्य बनाया जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश को काट के उत्तराखंड बना, बिहार को काट के झारखंड बना, मध्य प्रदेश को काट के छत्तीसगढ़ बना, इसीलिए होता है कि छोटे हिस्से में जल्दी से हो पाएगा विकास। यहाँ भी एक बार खाका तैयार हुआ था, हरित प्रदेश, यहाँ उत्तर प्रदेश को चार राज्यों में बांटने की तैयारी हुई थी, उसी को लेकर कल्पनाथ राय ने भी नारा दिया था पूर्वांचल का। बाद में तमाम कई सामाजिक संगठनों ने भी पूर्वांचल राज्य की मांग की, लेकिन वो समय समय के साथ चली और फिर राजनीति थोड़ी दूसरे तरह की हो गई, वो मुद्दा भी थमसा गया। अच्छा, हाल ही में जिले में दोहरी घाट से लेके दो घोसी होते हुए कोपा होते हुए बनारस एक ट्रेन मेमो ट्रेन चली हुई है, तो क्या ऐसा क्या कारण था कि इतने दिनों के बाद यहाँ पे मेमो ट्रेन चली? यहाँ के लोगों की खुशनसीबी या बदनसीबी है? क्योंकि लोग बहुत खुश थे जब ट्रेन चली तो। खुशनसीबी और बदनसीबी का जहाँ सवाल ये है कि जैसे हम भूखे हैं, जी, तो भूखे हैं तो मेनू तो हमारा 3 टाइम का है कि हम सुबह नाश्ता भी लेंगे, दोपहर में खाना भी लेंगे और रात में डिनर भी लेंगे, बिल्कुल लेंगे। लेकिन अगर कहीं कुछ नहीं मिल रहा है तो ज्यादा दिक्कत होती है। तो ये होता है कि चलिए कुछ नहीं तो ब्रेकफास्ट मिल गया ना, तो अब दोपहर तक तो खींच देंगे, अब शाम को देखा जाएगा। तो जैसे जो ये मेमो ट्रेन मिली है, जैसे पहले जो रेल बस चलती थी, छोटी लाइन थी, रेल बस चलती थी दोरीघाट से इंदारा जाके खड़ी हो जाती थी, उसके आगे हम नहीं जा सकते थे, फिर इंदारा उतर के फिर आगे हमको कहीं जाना रहता था। खैर ठीक है, आज मामला डेवलप हुआ कि आज हम दोरीघाट में बैठ रहे हैं, घोसी में बैठ रहे हैं और सीधे प्रयागराज पहुंच रहे हैं, प्रयागराज पहुंच रहे हैं। तो एक तरह से तो खुशनसीबी है। अब ये कि जो उसका अभी एक प्रोजेक्ट का एक और हिस्सा है, जी, दोहरी घाट से जो सहजनवा हाँ, गोरखपुर होते हुए प्रोजेक्ट चल रहा है, उस पर जब देखते हैं कब काम शुरू होता है। अगर वह सहजनवा से जब जुड़ जाएगा दोहरी घाट, तब जाहिर सी बात है कि इस क्षेत्र के लोगों के लिए बड़ी खुशनसीबी रहेगी और सुविधा मुझे लगता है कि बड़ी अच्छी मिलेगी। अच्छा, देखा जाए तो मऊ जिले में ना कोई विश्वविद्यालय है, ना मेडिकल कॉलेज है, ना फैक्ट्री है, ना कोई कंपनी है, इसका कारण क्या है? कारण वह जाहिर सी बात है कि जनप्रतिनिधियों की जो उपेक्षा किया है क्षेत्र की, जैसे यहाँ पर परदहा मिल और स्वदेशी काटन मिल, कई उद्योग थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा, ब्यूरोक्रेट की भी उपेक्षा, कमीशनखोरी का मामला चलना, अब एक उद्योग ले देकर घोसी में एक चीनी मिल रह गई है उद्योग के नाम पर, अब वो कैसे चल रही है, कभी कभी उसके भी बंद होने की स्थिति हो जा रही है। बस वो चल रही है जिस तरह चलना चाहिए इस चीनी मिल को, उस तरह चल नहीं रही, बस एक तरह से चल जा रही है। मुख्तार अंसारी का जिले मऊ जिले में कितना राजनीति में प्रभाव है? देखिए, मुख्तार अंसारी जिले में प्रभाव है कि लगभग लंबे समय से 1996 से वह और उनके परिवार का दबदबा यहाँ पर मऊ सदर की सीट पर तो है, मऊ सदर की सीट पर लगातार कह सकते हैं जिले में फिर है, जिले में भी असर है।
अब वहाँ पर जैसे मऊ में एक इतिहास कहा जाता था कि वहाँ एक बुजुर्ग हैं मलिक ताहिर बाबा की, वहाँ होती थी कि यहाँ दूंगा दोबारा कोई चुनाव नहीं जीतता था। उनकी एक बात कही थी कि वंदिती चलती थी और यह सच भी होता था। वहाँ के राजनीतिक इतिहास को पढ़ने के बाद लगता था कि कोई दोबारा चुनाव नहीं जीत पाया, लेकिन खैर मुख्तार अंसारी दोबारा नहीं दोबारा जीते। उसके बाद मान लें कि अभी उनके लड़के अब्बास अंसारी है, ठीक है, अब तस्वीर उनकी दो तरह की पेश होती है, हाँ। भाई माफिया, बाहुबली, गुंडा, मवाली, मतलब एक वर्ग जो है ब्यूरोक्रेट के साथ और जनता के बीच भी एक वर्ग है जो इन नामों से सुशोभित उनको करता है, बाहुबली और माफिया और गुंडा मवाली, बदमाश जो भी है। लेकिन उसी में एक बड़ा हिस्सा ये भी कहता है वो मसीहा है, हमदर्द है, रहनुमा है। और उसके बाद से तो उसके बाद चूंकि जनता का चुनाव जनता चुनती है, तो अब जनता चुन रही है तो चार से पांच बार उनको चुन दी, बेटा को चुन दी, चने आई तो नहीं लड़ पाए तो बेटा आ गया बस अंसारी, उनको भी चुनाव जिता दिया जनता ने। और जबकि ये भी जाहिर थी कि इस दौर में बड़े पैमाने पर उनके पर बुलडोजर और इस तरह की कार्रवाई भी की जा रही थी, लेकिन उसी परिस्थिति में उनका चुनाव जीतना तो जाहिर सी बात है कि असर तो है, कह सकते हैं दबदबा है, दबदबा है बिल्कुल। अच्छा, मऊ जिले में बुनकर बहुल क्षेत्र ये है, तो बुनकर की स्थिति कैसी है यहाँ पे? बुनकर की स्थिति देखिए, बुनकर का पूरा मामला जो है तय होता है बिजली पर, किस तरह की बिजली सप्लाई है। बिजली की व्यवस्था तो सुधरी है, आपूर्ति की व्यवस्था सुधरी है, लेकिन उस बिजली चेकिंग के नाम पर जी जिस तरह का बिजली विभाग के लोगों द्वारा रचा जाता है, वो समझ भी नहीं आता कि किसकी मीटर क्या रीडिंग देती है, किसकी मीटर क्या रीडिंग देती है, मतलब अनाप शनाप क्या बिल कब की किस भेज दी जाती है। उसके बाद एक प्रक्रिया से गुजरता हो तो आप उनसे लिखवा लीजिए, आप उनके लिखवा लीजिए, तो आपकी 15,000 वाली बिल फिर आप 5,000 आना शुरू हो जाएगी, 5,000 वाली बिल 500 आना शुरू हो जाएगी। अब उसके बाद अब उस तरह की चेकिंग में अब हर आदमी जागरूक उस तरह का नहीं है, जिसकी बिल ज्यादा हो जा रही है बिजली विभाग जाते हैं उसके बिल काट देते हैं, ये सब तो अब ये अब उनके धंधे पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ जा रहा है। तो बिजली जब मांगी हो गई, उसके बाद अगर मान लिया कि नहीं जमा कर पाए, उसी को समझने में उनको टाइम लग गया, केबिल कट गई तो उनकी विद्युतीय आपूर्ति ठप हो गई, जो भी वो साड़ी लुंगी कपड़े के बीनने का काम करते हैं वो रुक गई, तो दिक्कत तो हो जा रही है। जिले की निवासी ए के शर्मा जो उत्तर प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री है, तो उनसे जिले को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये क्या हो तो रहा है? लेकिन मामला देखिए ऐसा है कि हर जगह जो है जो ब्यूरोक्रेट है, ब्यूरोक्रेट ही काम करता, निचले की जो प्रशासनिक तांत्रिक इकाई होती है तंत्र वाली वह करती है, मंत्री जी वहां से पास करा देंगे जी। लेकिन यहां हो क्या रहा है उस पर गौर नहीं कर रहे, जबकि एके शर्मा जी तो प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, बिल्कुल आईएएस रैंक रहे हैं, वो तो बकायदा समझते होंगे, वो तो जिले की शान भी एक कह सकते हैं, तो वो चीजों को समझते हैं कि किस तरह की नौकरशाही चल रही है, तो आदेश तो कर रहे हैं, सोच वह कर रहे हैं कि ये काम हो जाए वह काम हो जाए, लेकिन जमीनी स्तर पर उसकी सच्चाई को भी जानने की कोशिश करें कि हम कर तो रहे हैं कि बिजली सुधर जाए, विकास हो जाए, फला हो जाए, लेकिन वो विकास किस तरह का हो रहा जमीन पर उस पर भी गौर करने की उनको जरूरत है। अच्छा, उनकी स्थिति ऐसे ही जैसे कल्पनाथ राय अपने दौर में हुआ करते थे, अगर ये भी चाहे तो उतना काम करवा सकते हैं आप, तो क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। हाँ ना, देखिए ये तो मान लीजिए कि पहले डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बातें नहीं थी, जब कल्पनाथ राय के दौर में कल्पनाथ राय विपक्ष में भी रहते थे, अच्छा, तो भी वह पार्लियामेंट में दहाड़ कर और लेके आते थे, चूंकि कल्पनाथ राय जमीन के जमीनी राजनीति थे, छात्र राजनीति से जुड़े थे और एक लंबा संघर्ष था, संघर्ष से है। ए के शर्मा जी छात्र राजनीति या जमीन के संघर्ष नहीं किए हैं, उन्होंने भाई एक नौकरी किया है, ठीक है, उस चीजों को समझा है, समझदार हैं, सेंसियर हैं, संवेदनशील, हर मुद्दों पर सोचते विचारते हैं, ये तो है उनकी। लेकिन वो एक चीज जो मैंने बताया है कि थोड़ा उनको है कि ग्राउंड जीरो की सत्यता पता करने लगे कि ग्राउंड जीरो पर क्या हो रहा है, काम तो वहां से चल दिया जी। क्योंकि ब्यूरोक्रेट नौकरशाह वही है, सरकारें बदलती है वो रहते हैं, वो अपने हिसाब से बड़े अपने को सेट कर लेते हैं, वो ब्यूरोक्रेट अपने को किसकी सरकार आई किस हिसाब से चलना वो सेट कर लेते हैं, तो ग्राउंड जीरो पर एके शर्मा को देखने की जरूरत है।
क्योंकि कल्पनाथ राय का नाम लेने से कुछ नहीं हुआ, कल्पनाथ राय की तरह काम करने में। कल्पनाथ राय का दौर हम लोगों ने देखा है, कल्पनाथ राय का काम होता था, कल्पनाथ राय गाड़ी रोक कर, उनको कवर लग जाती थी, गाड़ी रोक कर उतर जाते थे, ये कैसे काम हो रहा है, कौन ठेकेदार काम कर रहा है, कौन जेई काम कर रहा है, कौन यही काम कर रहा है, बुलाओ डाक बंगला पर, आओ कैसे कर रहे हो तुम, ये ईटा लगेगा, वो ईटा लगेगा, ये हम लोगों ने देखा है कल्पनाथ राय। तो आज के नेता ऐसा कर पाएंगे? ऐसा नहीं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि किस तरह का काम हो रहा है। जी बिल्कुल। अच्छे, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव माननीय दुर्गा शंकर मिश्रा जी जो है वो मऊ के ही निवासी है। हाँ। तो इससे जिले की जनता कितना खुश है? खुश का मतलब यह है कि खुश है कि बस हमारे हैं, हमारे हैं, चूंकि प्रदेश के मुख्य सचिव है ना, पूरा प्रदेश उनको देखना है। बिल्कुल, ये और मुख्य सचिव होता है सरकार का एक, नहीं तो जिले की खुश नसीबी है कि नसीबी तो है जी, लेकिन हमको कुछ मिल नहीं पा रहा, हमको कुछ मिल नहीं पा रहा है, क्योंकि सरकार का एक अंग होते हैं वह। बिल्कुल, मुख्य सचिव उनके आदेश के हिसाब से। अब सरकार की कौम में कौन लोग हैं? जनप्रतिनिधि लोग। अब जनप्रतिनिधि कैसे चुन के जा रहे हैं? जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर। तो उस तरह की जागरूकता, जनता पहले आवे, जनता के बाद जनप्रतिनिधि अच्छे चुने लगे, तो मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव को ही रहेगा, काम बढ़ जाएगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, उम्मीद है कि हम आपकी आपके सभी सवालों को इनसे पूछा है, हमने पूछा है, और कोशिश करेंगे कि आपके जो भी सवाल हो आपने कमेंट बॉक्स में दीजिए, अगला किसी से भी हम संपर्क करेंगे तो मऊ जिले की या देश की समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करेंगे। और हमारा चैनल आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।